हाय गाइस, आज हम लोग आए हैं करीम्स में। जैसा कि आप जानते हैं, बनारस में करीम्स नया नखला है। ये दिल्ली का करीम्स नहीं है, आपको बता दें, ये मुंबई की फ्रेंचाइजी है। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है खाने के बारे में। बड़ी तारीफें सुनी है हमारे फ्रेंड के, कोई फ्रेंड गए थे वहाँ पे, उन्होंने बड़ी तारीफ की, तो आज हम चले आए हैं। तो आइए देखते हैं अंदर क्या है इसमें अच्छा और क्या बुरा। हाय गाइस, ये है रजी अहमद और आपका स्वागत है एक बार लेट्स स्टार्ट इन ऑल द फूड रिव्यू में। आज हम आए बनारस के करीम्स में। आपने सही सुना, करीम्स, लेकिन बनारस का, ये दिल्ली का नहीं है, ये मुंबई की फ्रेंचाइजी है। तो हमने यहाँ कुछ ऑर्डर किया है, आई थिंक ये है, क्या नाम है इसका बताएं हरीश भाई, इस डिश का नाम क्या है? तंदूरी चिकन। तंदूरी चिकन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको करेंगे, टेस्ट करेंगे कि ये तंदूरी चिकन आखिर है कैसा। तो मैं इसको लेता हूँ अपनी प्लेट में और मैं देसी तरीके से खाना चाहूँगा इसको। टेस्ट अच्छा है और स्मोकी है, लेकिन उतना हॉट नहीं जितना इसको होना चाहिए था। आप बताएं आपको कैसा लगा है? ये मैंने खाया नहीं है। हाँ बताइए जरा, इसमें आप देखेंगे तो इसमें तेल की मात्रा ज़्यादा है, घी की कम है, और मुझे लगता है कि स्वाद ठीक ठाक है, ठीक है इस साल जो करीम्स की जो बात करी वो इसमें नहीं है, इसके अंदर नहीं है। अब आपको बताएं कि हमारे रईस भाई जो दुबई रिटर्न है, चिकन का मॉइस्चर खत्म हो चुका है ज़्यादा ओवर कुक होने से और ज़्यादा देर लटके रहने से, और इसमें ब्लड भी देखिए निकल रहा है जो कि सही बात नहीं है। ब्लड दिखलाना ब्लड तो नेगेटिव क्यों है? दुबई की फ्लाइट थोड़ी लेट थी, अब आ चुकी है। अब आप अगली शक्ल जो देखेंगे वो है रईस भाई की। अब आप भी बताएंगे अपना रिव्यू कि इनको ये कैसा लगा खाने में। ये देश विदेश हर जगह का चिकन खा चुके हैं, यहाँ से लेके दुबई तक का, तो इनको देखते हैं बनारस का चिकन कैसा लगा। मैं कोई भी रिव्यू अगर मैं करता हूँ तो बस चैंसेस आपके। बिल्कुल बिल्कुल, खा के बताइए आप स्वाद के बारे में क्या कहना चाहेंगे। स्पाइसी कम है। 5 में से कितने स्टार? 2.5। ओह माय गॉड, मतलब एवरेज है ये। आप बताएं कैसा लगा आपको? टेस्ट इज वेरी एवरेज, कुछ करीम्स का जो एक्स्ट्रा कोई एक्सपेक्टेड मुझे नहीं दिखा। जैसा हम लोग सोच के थे करीम्स है, ऐसे चिकन हमको मदनपुरा में खाने को मिल जाते हैं, वो भी काफ़ी कम रेट्स में और इससे अच्छे इनफैक्ट, और इससे अच्छे। तो आई थिंक करीम्स का नाम मुझे बहुत ज़्यादा छुआ नहीं, क्योंकि मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। अरे बहुत ही बेकार टेस्ट था, यहाँ से अच्छा टेस्ट का प्राइस बहुत ही ओवररेटेड है, फूड अपनी बात नहीं है। चिकन तो ट्राई मत करिएगा, बिरयानी तीनों की सेट में वैसे भी कुछ हो अच्छा तो मैंने मना कर दिया बिरयानी के लिए, मैंने मना कर दिया बिरयानी के लिए। खाना एक यहाँ की बुरी यादों की तरह, एक ऐसी बुरी याद है जो हमको उससे भी कुछ हो। तो अगर आप यहाँ पर ना आए तो बेहतर है, हमारा मन है आप जाके नई समय से सस्ता वाला चिकन खाने, वो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ का चटनी ठीक ठाक है, इंटीरियर एवरेज है, और बाकी हमारे फ्रेंड्स बताएंगे कि क्या है अभी हमारे राइट पे बताएंगे। यहाँ पर एवरीथिंग इज फुल सेट, डोंट ट्राई दिस एवर एवर इन योर लाइफ, ट्राई ओनली एट योर रिस्क।